अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके भाई ने रूटीन बिल्कुल ठीक कर ली है। आज आपका भाई सुबह 8 बजे उठा था। बहुत मेहनत से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूं, जल्दी मतलब कि 9 तक, लेकिन 9 के बाद ये होता है आपकी प्रोडक्टिविटी गोज डाउन द ड्रेन। मैंने सोचा 7-8 बजे उठता हूं, अपनी सारी चीज़ें ठीक करता हूँ, क्योंकि अगर आप सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करते हैं, आप 12-1-2 बजे तक अपना काम वाइंड अप कर लेते हैं। एंड सो मैंने किया यार, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब सुबह 7-8 बजे उठ जाते हैं ना, तो उसके बाद अब प्रॉब्लम ये है कि आपको दोपहर के टाइम या शाम के टाइम नींद आती है। अब बज रहे हैं कोई 2:30 और मुझे नींद आ रही है। अब बंदा करे तो क्या करे, सुबह जल्दी उठे, दोपहर को सोए, या रात को जल्दी सोए, लेट सोए, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, इसमें तो ब्लेंड इन होने में फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन अदर न्यूज, मैं आया था तूनियों को छोड़ने पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, उसके बाहर भी बैठा हुआ। तो तूनियों का एग्जाम था प्लैब का, प्लैब 1, एंड अनिया है अपने ऑफिस हॉस्पिटल। तो मैं छोड़ने आया और मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने कहा यार कितने पेपर दिए हमने, कम से कम 10 साल का तो रिश्ता होगा मेरा और पैराडाइज कॉम्प्लेक्स का। अगर आप में से कोई भी ब्रिटिश काउंसिल से रिलेटेड एग्जाम देता है, जो ब्रिटिश काउंसिल मैनेज करता है, तो वो इसी तरह के सेंटर्स रखते हैं, एम्बेसी लॉज, पैराडाइज कॉम्प्लेक्स। इस्लामाबाद वालों की बात कर रहा हूँ यार, इतने पेपर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सारे पेपर यहाँ पे होते थे। तो जी ये है पैराडाइज कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जी सीन ये है कि मेरी बड़ी कोई भयानक मेमोरीज हैं इस जगह से, तो मेरी तो तौबा है, मैं तो कभी भी नहीं आऊंगा यार। पीवी का मूड और इस्लामाबाद का मौसम दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। सीन चेक करें यार, कितना खूबसूरत मौसम है। क्यों, क्या हुआ? ओके बाय। कितने बजे आओगी? बी बैक इन एन आवर। जिम जाना है यार, प्लीज ना, प्लीज। अच्छा, अम्मा तो कैसे लगता है जिम के एंटी हैं। बाय। पूरी डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ मैं जिम गया। मैं वर्कआउट स्टार्ट ही करने वाला था, कितनी देर में बॉयज आ गए कि बॉयज ऊपर आ जाओ, जिम की एनिवर्सरी है, केक शेक काटना है। मैं ऊपर चला गया, फिर मैं नीचे आया, फिर मुझे ऊपर बुला लिया, एंड इस तरह से मेरा वर्कआउट मिस हो गया। फिर उसके बाद मैं कर सकता था, बट यू नो अपनी क्या उसको बोलते हैं, काम चोरी मैंने फिर वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि एक वो टेम्पो टूट गया मेरा। एंड फिर अभी मैं अल्फतेह के साथ, KFC है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आया था, एंड क्योंकि अनिया वगैरह यहाँ पे थे, मैं अनिया की गाड़ी पे हूँ, अनिया मेरी गाड़ी पे है, एंड शी जस्ट सेड कि मैं KFC पे हूँ। तो अभी पहुँचा हूँ, अब इनको भी देख लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बाहर खड़े हो तब से। ये वही वाली है? हाँ, वही है। आपको जाना है? चलो जाओ। इतनी अनकंफर्टेबल लग रही यार, ये सही पली हुई बिल्ली है। हाँ। वही है ना, जब हम आते थे क्या करती है अनिया? अभी करेगी, देखना। हाँ, मतलब है। हाँ, जैसे हर बिल्ली करती है। किया मैंने, एक पे चलते हैं फिर वापसी पे, यहाँ से गाड़ी लाएंगे, सामान रखने मैं चला लेती हूँ दूसरी। नहीं नबिया, यू आर अंडर एज। हमारी जो बच्ची है ये वाली, जो सूरजमुखी का फूल लग रही है आज, ये अपना फ्लैब एग्जाम देखे आई है आज, माशाल्लाह से। सब दुआ कीजिएगा इनका रिजल्ट अच्छा से, दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें कल वीडियो के देखे थे, फजूल है। और गाइस बात है यार, तुनियों कौन है ये, अनोइंग है, ये जानते नहीं है, ये हमारी जान है यार। प्लीज इजी हो जाओ बॉयज। तुनियो इज लाइक आवर फैमिली, तुनियो इज अनियाज बेस्ट फ्रेंड, एंड मेहमान जो होता है वो रहमत होती है। तो यार प्लीज ऐसी बातें नहीं किया करो। रोना शुरू हो गई है, तो खोलो ना, गाड़ी में सामान रखो। मुझे एंग्जाइटी थी, नींद नहीं आई थी, बट मुझे पढ़ना भी नहीं था, तो आई वाज लाइक मैं अली का ब्लॉग देख लेती हूँ, इट यू नो आई लाइक इट। और मैंने देखा नीचे कमेंट्स, मुझे रोना आ गया यार। मैं भी होती हूँ गाइस, मैं भी इनके कमेंट्स पढ़ के एक दफा रोई थी। आप किसी के दुख का और किसी के पेन का रीज़न बन रहे हैं, कितना गुनाह मिल रहा होगा आप लोगों को यार, कितनी गलत बात है। देखें, जब भी आप कोई ऐसा कॉमेंट करते हैं ना, तो लोगों की दिल आज़ारी होती है, लोग बहुत हर्ट होते हैं, तो आप तो कर देते हैं कीबोर्ड के पीछे छुप के, यहाँ पे फिर कोई पढ़ रहा होता है तो वो हर्ट होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिससे अगले के जज्बात दुखें, तो प्लीज़ मेक श्योर। मैंने आपका कॉफ़ी एक्सपीरियंस एलिवेट करने के लिए प्रेमा मिल्क लिया आपके लिए, ऑस्ट्रेलियन बफेलो मिल्क। लबन जो ब्लूबेरी लबन हम पीते हैं, वो किसका है? प्रेमा का ही है? नो, प्रेमा। चलो हमारी गाड़ी में चलते, मैंने सर्विस कराई है। Really? Yeah. जी चलो ना बास्किन रॉबिन्स चलते हैं, मुझे टूथपेस्ट खाना है। कौन है ये फीहा? यार मैंने किससे ली? मिटाओ इसको। इट्स अ फीहा। तुम्हें कैसे पता चला? लड़की है। हटाओ इधर अनिया लिखो। अनहा, अनिया मेरी जान। अनहा लिख दे। तुम सिर्फ सोचो, मैं यहाँ पे लिखवा दूँ ANYA हार्ट हार्ट हार्ट। कैसी लगी आपको गाड़ी आपकी? मैडम बहुत साफ सुथरी और रेडी टू टेयर। मैंने ये वैक्स भी कराया। अच्छा जी। ये तो बहुत यार थैंक यू, बहुत VIP लग रही है गाड़ी। अब आप जब भी निकले ना तो मेरी गाड़ी अभी खुला होगा, मैं अपनी गाड़ी दे दूं। नॉर्मल स्टाफ से क्या हुआ? वीकेंड पे हमने नॉर्मल स्टॉप से थोड़ी कराई है, और बड़ी VIP जगह से कराई है। अरे वैसे वो ए वन लग रही है। अरे लबीशीरी लग रही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। क्या करो यार, लोग ऑफेंड होते हैं। अच्छा तुमने बात नोटिस की है, कराची के बारे में तुम जितनी बकवास करते जाओ कोई ऑफेंड नहीं होगा। ऐसे कराची के लोग कितने ओपन हार्टेड होते हैं। द मोमेंट यू टॉक अबाउट लाहौर, द मोमेंट यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद, लोग लड़ने को आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो। हालांकि आई जेन्युइनली लव ऑल थ्री सिटीज With all my heart, like I love Karachi का रौनक, I love Islamabad का nature, I love लाहौर का internationalness, but you know like मैं तो कभी offend नहीं होती। तुम जब कराची की नकल उतारते हो जो है वो है। ऐसी बात नहीं, ज्यादातर कराची वाले लोग ज्यादा offend होते हैं। Guys तुम अभी comments खोल के देख लो, चलो लाहौर की मिमिक्री वाला देखो, ठीक है, और कराची की मिमिक्री वाला देखो और देख लो कि कौन ज्यादा। मुझे यार एक चीज समझ नहीं आती, एक लाइट ह्यूमर पे अगर आप मिमिक्री कर रहे हो तो मतलब अच्छा वैसे आप टीवी पे मिमिक्री देखते हो, ओह यू नो इट्स सो फनी इफ आई डू इट, व्हाई डू पीपल कैंसिल मी एंड व्हाई डू पीपल हेट मी फॉर दैट। ये भी डबल स्टैंडर्ड। तुमने अपने YouTube फैमिली को बताया कि तुमने मुझे कितना बड़ा हार्ट अटैक दिया? क्या इसने क्या किया कि मैंने इसकी गाड़ी सर्विस होने के लिए दी एंड आई वाज सो एक्साइटेड दैट यू नो ये काफी टाइम से ट्राई कर रहा था कि अपनी गाड़ी सर्विस ले, उसको टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने बोला मैं अब लेके निकली हूँ, बिकॉज मेरी गाड़ी जो है वो ड्राइवर लेके गया हुआ था, तो मैंने बोला मैं निकली हूँ इसकी गाड़ी लेके तो मैं सर्विस करा देती हूँ। मैंने सर्विस के लिए दी, मैं मॉल गई, वापस आई, मैंने पिक की, मैंने चेक की, मैंने पे किया और मैं यहाँ आ गई। फिर अली ने हमें यहाँ ज्वाइन किया, नाम से कलिया गॉट योर कार सर्विस लाइक सो हैप्पी। लाइक ग्लव बॉक्स में मेरा वॉलेट था। आई एम लाइक व्हाई डिडंट यू टेल मी, लाइक मुझे क्या पता था तुम सर्विस करा रही हो। फिर हम दोनों KFC से बाहर आए हैं, ग्लव बॉक्स खोला, वॉलेट नहीं। आई लिटरली वॉन्टेड टू क्राई। आई एम लाइक यार मैंने 500 रुपये की सर्विस के चक्कर में इसका पूरा वॉलेट घुमा दिया। मैं मेरे साथ क्यों होता है कि जब मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ कुछ हो जाता है। हमने कहा आर यू श्योर कि यहीं था? इज लाइक आई एम 90% श्योर कि यहीं था। मैंने अम्मा को फोन किया, मैंने बोला अम्मा अली का वॉलेट देखे, बोलती हाँ सामने पड़ा हुआ है। आई वॉन्टेड टू किल हिम, लिटरली किल हिम। मैं आपको बताता हूँ मेरा मिंट चॉकलेट चिप खानी है, खिला देता हूं। दिन में कैलोरी सामने अल्फतह मैं तुम्हें टूथपेस्ट ला के देता हूँ, तुम ऐसे यूं करके ना डेंटोनिक खा लो। तुम्हें मैं ट्राई कराऊंगी आज। तुम ये तो चमची है। हाँ आनिया को जो पसंद है वो तुनिया को भी पसंद है। वो चने नहीं खाती, वो स्पैगेटी नहीं खाती, वो ये सब खाती कभी भी नहीं खाती। मैं बना लूँ अपने हाथों से सारी रात बैठ के तब भी शी सेज आई डोंट वांट। अलग बनवाती थी मैं बट चॉकलेट मिंट नो नो नो। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारे पास है? इट्स ओके, वैसे ही बंद रखो। और मुझे बहुत मजा आया क्योंकि आज अंजू का फोन पावर ऑफ हो गया था। मुझे अभी पोस्ट करनी थी एक। मेरे फोन से कर ले। कैसे करूँ? तस्वीरें मेरे फोन में, मेरे ऊपर से कर ले। तस्वीरें मेरे फोन में ना जानू। अनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप अनिया को कहीं भी ले जाएं यार मैं काम पे गई थी, अनिया अपने फोन से निकलती नहीं है भाई। मतलब दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई वाज एट वर्क, आई लेफ्ट द हाउस एट 8, आई वाज एट वर्क, आई केम बैक, आई लेफ्ट फॉर टूनियो, आई डिडंट हैव टाइम टू चार्ज इट। यार ये बंदे ने गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपकाई हुई है। तुम कुछ लेने तो नहीं आए थे ना? पता है तुमने ये क्या शॉपिंग की है? मैंने तुम्हारे अंडे लिए, पूरे कपड़े ले लिए, अंडे वाले अंडे ही लिए हैं बस। अंडे लिए मैंने तुम्हारे लिए टॉर्टिया लिया है क्योंकि तुम उसमें वो खाते। मैं आई पता है क्यों थी? तुम्हारी चिकन लेने के लिए। मगर बस ना सब्रोसो की चिकन थी, ना इनके पास सब्रोसो की चिकन थी, ना केएनएस की चिकन थी। खुद अपने मैंने फिर मैंने व्हीट रोल्स लिए, मैंने बटर लिया, मैंने एग्स लिए, मैंने टॉर्टिया रैप लिया, मुझे एक्चुअली मुझे माचा चाहिए था पर मुझे माचा भी नहीं मिला। और मैंने प्रेमा इमेजिन माचा टेस्ट कॉफी के लिए लिया था। नहीं कॉफी के लिए नहीं, अलग से माचा लाटे अलग से पीने के लिए। एंड और क्या लिया मैंने? गाइस तुमने हमारे लिए गम ली। हाँ मैंने गम लिए, लोगों को बहुत जरूरत थी गम की। चलो मुझे टूथपेस्ट खाना है। क्या हुआ है यार? उनको कोई नीचे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। देयर सेइंग कि बाहर गाड़ी नहीं देंगे। ओके। मिंट चॉकलेट है। जब मुझे एक शुगर कोन में मिंट चॉकलेट चिप कर दो, एक शुगर कोन में होकी पोकी और एक आई वांटेड टू ट्राई द मिंट चॉकलेट। कौन सी होकी पोकी? होकी पोकी स्ट्रॉबेरी चीज केक मेरी है। मावी ब्राउन मैडनेस टूथपेस्ट मिंट चॉकलेट चिप टूथपेस्ट। अली, अगर तुमने मेरी मिंट चॉकलेट चिप खा के जाया की और बुराई की ना। गाइस, आई एम गोइंग टू ट्राई इट अगेन। यू ट्राइड इट बिफोर एंड यू टेस्टेड इट। मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूं, हो सकता है कि शायद 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 मेरा ओपिनियन बदल जाए, लेकिन यार अली तुमने बाइट जाया किया खामखा मेरी आइसक्रीम। मैं एक और स्कूप मंगवाऊंगी। गाड़ी हमने चेंज कर ली है एंड अनिया वो जा रही है। जा नहीं रही, मैं खड़ी हुई हूँ। हाँ, क्योंकि सिग्नल बंद है। Do you have a choice? Exactly. जा भी सकती हूँ मैं जा रही। रेस लगाए? मैं जा रही। रेस लगाए? नहीं। Please, 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 please. Excuse me, तुम्हारी गाड़ी कितने सीसी की है? 1500। मेरी 600। This is not a fair competition. आज ही स्पीड रखना। आज ही स्पीड रखना। ओह। एक्सक्यूज़ मी, ये तुम्हारे लिए शदीद शर्म की बात है कि 1500 सीसी गाड़ी और 600 सीसी गाड़ी के साथ हम दोनों एक टाइम पे पहुंचे। मैं तो लेवरेज दे रहा था। जी जी सही बात है। फिर तुम मुझे ये ना बोलो अनफेयर था। सही बात है। लूजर। मैं ये अनसेफ चीजें करना भी नहीं चाहती हूँ कि रेसिंग में। अच्छा, मेरी चप्पल यहाँ क्या कर रही है? ब्रूनो खा गया होगा। मैं अपना सामान उठाऊँ। तुम्हें गाड़ी लॉक तो नहीं? नहीं, रुको मुझे खोलने दो। कैन यू टर्न द कैमरा ऑफ? गाइस ये जरा देखें, इसलिए मेरे से बंद करवाने थे। इधर उधर मुड़ो 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 अपने बैग्स तो दिखाओ। ये देखिए जरा, ये मुझे भी ऊपर आना है। ये बैग जरा देखिए कितने बैग में गिरा है। अनिया तुम्हें कुछ नहीं मिला था? मैंने कुछ नहीं लिया था। सही बात है। आउटफिट लेते सब जगह। 14 अगस्त को ऑफ है, कल जाएंगे। हाँ, कल भी है, परसों भी है। एथनिक पे भी लगी हुई 30%। अम्मा अम्मा ये कुछ लेने नहीं गई थी और इसके थैले देखा। ये अनिया का क्लासिक है। तुम मुझे बताओ, तुम चुप करो, तुम आ गई हो सब साथ में मिलके। तुम मुझे सच सच बताओ, कल जिम जाने से पहले मेरी क्या हालत थी? क्या हालत थी? तूने गवाह है। आई वाज रनिंग अराउंड द होल हाउस सेइंग आई डोंट हैव क्लोथ्स, राइट? आई डोंट इज कमिंग एंड तो दे कमिंग थे। आई डोंट हैव जिम क्लोथ्स। ओके, आई गॉट जिम क्लोथ्स। वो लॉन्ड्री में हमारे कपड़े। आई कांट। नहीं बोल बोल। गुड बॉय। तो जी नीचे ताला लगाने आया था बिकॉज़ हमारी जो सिक्योरिटी है वो कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। एंड मुझे जो चौकीदार है वो भी मुझे बता रहा था कि सर बाहर ना निकला करें रात को लेट, यहाँ पे डकैतियाँ शकैतियाँ भी आजकल पड़ी हैं और हालात ख़राब हैं, कहीं फायरिंग शायरिंग भी हुई है। मैं सोच रहा था यार कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में कमाल की बात है और हमें इस ताले की सहूलत लेनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है। एक्चुअली यार आई रियली ड्रीम ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे ये चीज़ें ना हों। आई रियली ड्रीम ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे हमारी औरतें सेफ़ हों। आई रियली ड्रीम ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे बच्चे गलियों में अगर जाते भी हैं तो हमें टेंशन ना उनके जाने की। बुराई नहीं कर रहा मैं, ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में बहुत इस तरह के मसले हैं, लेकिन यार जो है सो है, वो तो आपको भी पता है। अब ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ियाँ आराम से सेफ़ हों, ठीक है। मैं एक बस कुंडी लगाऊँ, यू नो आई एम डन। मुझे ये ताला अब ये तोड़ने में भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन अब एक ज़हनी तसल्ली है, गाड़ियाँ इंश्योर कराओ, ठीक है। आप 50 किस्म के लॉक्स लगाओ गाड़ी पे एंड फिर आप ये तालों की सहारा लो एंड यू नो इन दी एंड फिर भी वारदातें हो जाती हैं। सो यू नो अपनी फैमिली के बारे डर लगता है यार। एंड 14 अगस्त बस आ गई ऑलमोस्ट। आई रियली होप कि अब हाई टाइम है पॉलिटिशियंस अपना मफाद देखने के बजाय मुल्क को देखें एंड काश हम एक अच्छी नेशन बने जो आवे के आवा उल्टा हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक, तो ये एक दिन ठीक हो जाए। आई रियली ड्रीम ऑफ दैट पाकिस्तान। मैं वाकई ऐसा एक पाकिस्तान चाहता हूँ। एंड मेरी बात को बुरा मतलब मत लीजिएगा, इसको एक पॉजिटिव अप्रोच कर लीजिएगा। इम्प्रूव करने में कोई बुराई नहीं है। जो हमारे मुल्क में मसले हैं वो मसले हैं, तो उसके बारे में आवाज़ उठाएँ, बात करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।